अब जो आज के टॉपिक मैंने आपको दिया है, पहले एक्सरसाइज दिए मैंने जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल कनेक्टर्स। यहाँ पे हमने इन दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करना है जैसे हमें ठीक लगे। जैसे ही फेल्ड द एग्ज़ाम ही हैड नॉट स्टडीड, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे ही फेल्ड द एग्ज़ाम बिकॉज ही हैड नॉट स्टडीड। इसी तरह आपने इन बाकों में देखना, आई डू नॉट लाइक मिल्क, इट डज नॉट, आई डू नॉट लाइक चीज़, शी इज़ रिच, शी इज़ हम्बल, ही कैन नॉट स्विम, ही कैन प्ले टेनिस। सुशील एंड सुषमा आर ट्विन्स, दे हैव डिफरेंट टेस्ट्स, वी फील हंग्री, वी गो टू स्कूल कैफ्टेरिया। उसके बाद दूसरे वाले में वैसे ही जैसे हमने पहले वो किया था जिसमें कि ये जो कोई वर्ड मिसिंग था, जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही मैंने आपको एक और एक्सरसाइज दी है। यहाँ पर भी कोई ना कोई वर्ड जो है इन लाइंस में मिसिंग है। ये भी एक पैराग्राफ है लेकिन लाइंस में डाला हुआ है इनको, हम इनको इसको पढ़ना है अपने। कार टायर्स एक्ट एज कुशंस फॉर द व्हील्स, गिव द कार ए गुड ग्रिप ऑन द रोड दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्किडिंग, टर्निंग ओवर, और व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड स्मूथ टायर ग्रिप्स द रोड बेटर। इवन रेसिंग कार्स आर फिटेड विद स्मूथ टायर्स, नॉन रेसिंग कार्स कैनॉट मूव ऑन स्मूथ टायर्स, the roads they dash move on are not always dry। इसके बाद आपको मैंने दिया है तीसरी एक्सरसाइज आपकी है, इसमें आपने विद द वर्ड्स ये वर्ड्स दिए हैं जैसे मैंने वो आपको पहले किया था। इसे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, वो आपने इनमें से चूज़ करना है। तो ये मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। तो पिक्युलरिटी dash ill temper is that it is a vice of the dash, it is often the one blot an otherwise noble character, you know men dash are all but perfect and women who would be entirely perfect for an early ruffled quick temper, this compatibility of ill temper high moral character is one of dash and saddest problem of ethics। Fifth, fourth, कम्प्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इन्फिनिटिव और आईएनजी। मैंने आपको पहले बताया था जिरोंड, आईएनजी क्या होता है, ये जिरोंड है, जिरोंड या इन्फिनिटिव, यानी आपने यहाँ पे जिरोंड या इन्फिनिटिव फिल करना है। ये आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है, आपने देखना है कहाँ पे मैं जिरोंड लगाऊँ और कहाँ पे मैं इन्फिनिटिव लगाऊँ। उसके बाद मैंने आपको दिया है, कल हमने प्रोनाउंस किए, आज मैंने उनके दो टाइप्स आपको बताए हैं। एक पर्सनल प्रोनाउंस में जो होते हैं वो तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिसके साथ बात होती है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है। अब ये पर्सन्स जो है सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, और ये नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, केसेस ऑफ नाउन, नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव, और आपने इन पर्सन्स को इसी में डिवाइड करना है। जैसे नॉमिनेटिव फॉर्म में आई आएगा, पोजेसिव में माई, माइन आएगा, ऑब्जेक्टिव में मी आएगा। ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी, नॉमिनेटिव फॉर्म, आवर, आवर्स पोजेसिव फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव अस फॉर्म। सेकंड पर्सन में आता है यू, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो यू आता है। इनका पोजेसिव फॉर्म है यू या यूअर्स, और इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आ सकता है ही, शी, इट, प्लूरल में आता है दे, पोजेसिव में आ जाएगा हिज, हर, इट्स, हर्स, ये हर्स, एच ई आर एस, हर्स, और यहाँ पे आएगा प्लूरल में दियर या दियर्स। फिर आएगा ऑब्जेक्टिव में हिम, हर और इट, और प्लूरल में देम। इस तरह रिफ्लेक्सिव में जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो हमें ये बताए कि जो करने वाला यानी सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों सेम होने चाहिए। वो हमें ये बताता है कि जो एक्शन है, काम करने वाला है, वो एक ही है। जैसे शी हैज़ कुक्ड द फूड हर सेल्फ, उसने खाना खुद बनाया है, यानी शी जो है ये हर सेल्फ है, ये और ये एक ही है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव किस में क्या आता है, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ्स, इट का इट सेल्फ। आज इतना काफ़ी है, इसकी रिवीजन कीजिएगा, तो कल मैं आपको इसके आगे और करवाऊंगी। ओके बेटा, आदाब।